नमस्कार, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट से मैं प्रिया तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज की खास खबर। मुंबई के एक सत्र अदालत ने अभिनेता सलमान खान के NRI पड़ोसी केतन कक्कड़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ मानहानि के मुकदमे में गैर ऑर्डर के लिए अंतरिम याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि उन्होंने अभिनेता द्वारा पनवेल में अतिक्रमण के आरोपों के संबंध में शिकायतों का सबूत पेश किया। बता दें कि सलमान खान के मानहानि वाद के मुताबिक केतन कक्कड़ ने यूट्यूबर को दिए इंटरव्यू में अभिनेता के खिलाफ मानहानिकारक टिप्पणी भी की थी। बता दें कि अदालत ने 23 मार्च को अभिनेता को मानहानि के मुकदमे में अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था, जो उन्होंने अपने पनवेल फार्म हाउस पड़ोसी कक्कड़ के खिलाफ एक यूट्यूब चैनल को दिए एक साक्षात्कार में उनकी टिप्पणी के लिए दायर किया था। आदेश में कहा गया कि इस आरोप की पुष्टि करने वाले दस्तावेजी सबूत हैं कि खान कक्कड़ को अपनी जमीन पर आने से रोक रहे थे। सलमान खान की प्रार्थना थी कि मुकदमे की सुनवाई और अंतिम निपटान तक अदालत को कक्कड़ और अन्य के खिलाफ एक आदेश पारित करना चाहिए। उन्हें अस्थाई आदेश द्वारा किसी भी अपमानजनक सामग्री को पोस्ट करने और प्रसारित करने से रोकना चाहिए। कक्कड़ ने दावा किया था कि उनकी जमीन पनवेल में खान के स्वामित्व वाली खेत के ऊपर एक पहाड़ी पर थी और खान द्वारा लोहे का गेट लगाकर इसे अवरुद्ध किया जा रहा था। इसी तरह की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट।